जी नमस्ते, सत श्रीकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। मैं होप करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो अभी एक और ब्लॉग लेके आए हैं, फिर से सेम मिस्टेक, घर से शुरू नहीं किया, घर से निकल गए हैं अमृतसर के लिए। तो अभी जस्ट आपने देखा ब्यास नदी क्रॉस की है, तो टाइम नहीं मिला, सुबह सुबह उठना थोड़ा मुश्किल लगता है भाई, तो उठ के वही बड़ी बात है, निकल लिए हैं घर से। अराउंड सुबह निकले हैं 6:30 बजे, तो अभी 8 बजने को आए हैं, और आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे। टिकट फ्लाइट है शाम को 4:45 पे। अभी फ्लाइट कहाँ की है, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है या हम कहाँ जा रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, ठीक है। तो थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे, व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी माफ़ी मुश्किल अभी भी। तो अभी जा कौन कौन रहा है ये भी आपको बता दूँ, ठीक है, उसे आपको हिंट मिल ही जाएगा, वैसे तो पूरे ऑलमोस्ट वैसे हिंट मिल ही जाएगा। चलो बता देते हैं, मैं जा रहा हूँ, मेरी सिस्टर है, हम दोनों जा रहे हैं अपने कैंडिडेट को छोड़ने अमृतसर एयरपोर्ट पे, और हम ड्राइव कर रहे हैं। वैसे डॉक्टर ने इतना एक्सेस नहीं दिया भाई, आप इतनी दूर लंबी ड्राइव करो, बट कर रहे हैं भाई, शौक है, ठीक है ना, आदत है, ड्राइवर बंदे हैं ऐसे। तो अभी वो भाई से मिलाते हैं, भाई पीछे बैठा हुआ है, वैसे तो स्पेशल भाई से मुलाकात होगी, मतलब लाइक वीडियो बनाएंगे भाई के साथ अभी थोड़ी देर में, जहाँ पहुँचे हम। तो वैसे भाई की शक्ल दिखा दी आपको, भाई अपना है उत्तराखंड से, अराउंड चाइना बॉर्डर के पास ही से है, ये लगा लो पथौरगढ़, भाई आया पथौरगढ़ से, ठीक है। अभी ये भाई कौन है, कहाँ कैसे मिले, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब लाइक किस मोटिव से जा रहे हैं, ठीक है, वो सारी डिटेल आपको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वैसे तो ड्राइविंग टाइम पे मैं वीडियो नहीं बनाता, इसी वजह से बहना को पकड़ा भाई आप व्लॉगिंग करो और हम ड्राइव करते हैं, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट बॉस, सो दैट्स व्हाई। ठीक है जी, बने रहो, टेक केयर। हाँ जी, तो अभी अराउंड 2 बज रहे हैं, सुबह 6:30 बजे निकले, 9 बजे पहुंच गए थे, किसी के घर जाना था, इनविटेशन था तो अटेंड किया, तो अभी जस्ट जा रहे हैं, ऑन द वे हैं। यहाँ से अराउंड 7 किलोमीटर है एयरपोर्ट, अमृतसर का एयरपोर्ट उड़ना है। तो जब वहाँ पहुँचे, भाई के साथ भी 2 बातें करेंगे, भाई को भी लेके आएंगे सामने वीडियो में। तो अभी लगेंगे अराउंड यहाँ से 10 या 15 मिनट का रास्ता तो होगा भाई, क्राउड है, दोपहर के 2 बज रहे हैं, लंच टाइम हो रहा होगा, सो दैट्स वाई थोड़ा रश है। आधार कार्ड क्या करना है, पूछे एम्बेसी वाला, ठीक है, नहीं अपने पास। भाई अपना गया जी अंदर, बंदे की यार सिचुएशन ही आ गई थी, ऐसी हो गई थी कि भाई व्लॉग नहीं बना हुआ, बस सबको क्या बताएं, मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ी। तो ये भाई अपना गया दुबई एज अ हैवी ट्रक ड्राइवर वीज़ा, भाई को दिया, भाई चलाएगा अपना ट्रक चलाएगा वहाँ पे, ठीक है जी। सो हम हो गए हैं फ्री, भाई चले गए अंदर, तो हमारा अब काम क्या है, वापस जाना है सही सलामत, तो टेक केयर। सो जा रहे हैं जी हम घर पे फाइनली, भाई को छोड़ दिया एयरपोर्ट पे, अभी मैं बताता हूँ सारा, क्योंकि भाई के साथ यार वीडियो बनानी हुई, क्योंकि भाई का मूड काफ़ी अपसेट था, तो यार हमसे भी देखा नहीं गया, तो भाई को छोड़ा अमृतसर एयरपोर्ट पे। भाई अपने को स्पेशल मिलने आया, भाई कह रहा था, कहता भैया अगर आपके थ्रू गया हूँ तो आपसे मिल के जाऊँगा, तो यार मैं क्या, चलो कोई बात नहीं भैया, अगर आप हमारे लिए इतना कर सकते हो तो हमारा भी वादा है आपको, हर बार की तरह हम भी एयरपोर्ट पे छोड़ने जाएंगे। तो भाई ये है पथौड़ करके रहने वाले, उत्तराखंड से भाई आया था अपना, ठीक है, तो भाई को वीज़ा दिलवाया, हैवी ट्रक ड्राइवर का भाई, हैवी ट्रक ड्राइवर का भाई, काम करेगा वहाँ पे, ट्रकिंग करेगा आपके भाई की तरह, ठीक है, और चढ़ती कला में रहे भाई अपना, ठीक है जी, और खुश रहे, हैप्पी जर्नी ब्रो, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो, ठीक है, एंड टेक केयर। तो अभी हम भी जस्ट पहुँचने लगे हैं, 5 या 10 मिनट में हम भी लुधियाना बस अपने घर पे पहुँच जाएंगे, तो अराउंड 2.5 से 3 घंटे लगे अमृतसर एयरपोर्ट से आते आते, हम भी टायर्ड हो गए हैं यार, सुबह से निकले हैं 6 बजे से। तो बाकी भाई को पूरा हमने समझाया,
अपनी तरफ से मैंने जितना हो सका भाई को गाइड किया प्रॉपर, भी फ्यूचर में भाई वो गलतियां ना करे जो मैंने की हैं या जो जो मैंने फेस किया है, वो भाई को फेस करने की मतलब ऐसे कोई दिक्कत ना आए। तो अपनी तरफ से मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया भाई के साथ, उसको प्रॉपर गाइड किया, ठीक है। एंड भाई का फाइनली वक्त आ गया इंडिया छोड़ने का, तो 4:45 पे भाई की फ्लाइट है, तो अभी 4:30 बज रहे होंगे, तो भाई निकल गया, सही है। एंड अराउंड 2.5 घंटे लगते हैं, 2.5 से 3 घंटे लगते हैं दुबई पहुंचने में। आगे भाई का सब सेट किया हुआ है, लाइक भाई का रूम, अकोमोडेशन और लाइसेंस, सारा A to Z प्रोसेस भाई आगे सब कुछ सेटअप है। भाई को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दिलवाया हैवी ट्रक ड्राइवर का, तो भाई हैप्पी था यार। अब मतलब लाइक लोग इतना प्यार देते हैं, मैंने यार मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं तो यहाँ पे आया था, चलो मेरी तबीयत ख़राब थी, ये आप सबको पता है, और बहुत सारे जो नए भाई आए हैं उनको चलो मैं बता देता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा प्रोग्राम था वापस ही जाने का ट्रीटमेंट करवा के, फिर मेरा जैसे हमारा फैमिली बिजनेस है प्रॉपर्टी का, तो ऐसे ही यार आप सब लोगों ने प्यार दिया और लाइक मुझे लाइक समझा कि यार मैं सोशल वर्क कर सकूँ, इतना मेरे को अपग्रेड किया आप लोगों ने। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल आवर फैमिली मेम्बर्स, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो अगर आप भी जाना चाहते हो एज अ सिक्योरिटी गार्ड, एज अ हैवी ट्रक ड्राइवर, एज अ ओपन वर्क परमिट बेस पे, ठीक है, और कोई भी आप वीज़ा लगवाना चाहते हो, और प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन किसी बेस पे, अगर आप भी जाना चाहते हो दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, यमन, और दूसरे अगर कंट्रीज़ की बात करूँ यूरोप कंटिनेंटल में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं पे भी अगर आप यार जाना चाहते हो, आप कर सकते हो कॉन्टैक्ट अपने भाई को डायरेक्ट, ठीक है। तो बट प्रॉब्लम इज़ मैं अपना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर नहीं शेयर कर सकता, एक बार किया था गलती कर ली यार बहुत बड़ी, बहुत सारे भाइयों के यार मैंने मतलब ना बहुत सारे यार मैसेज आते हैं और अननेसेसरी मैसेज आते हैं, और मेरा पता क्या यार मैं प्रायोरिटी देता हूँ कि भाई मैं ना ऑन द स्पॉट रिप्लाई कर सकूँ, और जब फालतू में मैसेज आते हैं ना तो भाई मेरे को बहुत फील होता है। भाई यहाँ पे आया हमारा ये, देखो इनसे मेरी बात हुई, इसको मैंने प्रॉपर गाइड किया और भाई ने वीज़ा लगवा लिया, ठीक है, ये होती बात। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप वीज़ा लगवाना चाहते हो, आप बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, या आपको कोई बेस्ट मतलब लाइक गाइडेंस चाहिए, आप फंस गए हो, ठीक है, फिर यार आप कॉन्टैक्ट करो मेरे इंस्टा आईडी पे, ठीक है, चेतन सी HETAN2409, आप मेरे को कॉन्टैक्ट करो, मेरे से बात करो, आपको कोई कन्फ्यूज़न है, ये नहीं है, मैं नहीं कहता कि मेरे से वीज़ा लगवाओ, ठीक है, अगर आप कहीं पर भी वीज़ा लगवा रहे हो डजेंट मैटर, मेरा मेन मकसद है सही बंदे को सही राह दिखाना और उसको सही जगह पहुंचाना, ठीक है, ये मेरी पूरी प्रायोरिटी होती है। सो बाकी मेरा मन था भाई को भी यार भाई के साथ वीडियो बनाएं थोड़ी, पर भाई का यार मन होता ही है यार, मतलब धन्य वो माँ बाप जो लाइक अपने मतलब कलेजे का टुकड़ा हो गया या अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। भाई आज मुझे फील हो रहा है जैसे मैं लोगों को जैसे बाहर खुद छोड़ के आता हूँ ना, अभी जैसे भाई को एयरपोर्ट छोड़ के आया हूँ। सो रियली यार रियली आई अप्रिशिएट टू ऑल द पेरेंट्स जिनके बच्चे बाहर गए हैं। सो नाओ आज के लिए इतना ही, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय 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 बाय, अपना घर भी आ गया।